ख्वातीन की सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए सरकार ने 5 ऐसी जो गाड़ियां हैं रखी थी जो खासकर यहां की ख्वातीन के लिए थी। इसी हवाले से सरकार ने ये फैसला लिया था कि श्रीनगर और श्रीनगर के साथ साथ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बस सर्विसेज रखी जाए जो कि स्पेशली वुमन के लिए रहेंगी। आया जावेद बोल रहा हूँ, है चले कलान है यहाँ पे। आप देखिए कि लेडीज़ जो है किस हद तक आप सड़कों पे उन्हें देखते हैं, वो इंतज़ार करती रहती है गाड़ियों का। उन्हें चंद दिनों ये उम्मीद जागी थी कि शायद अब यहाँ पे ख्वातीन जो है उन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके लिए एक खसूसी बस सर्विस यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगा दी रूट्स पे। लेकिन लेडीज़ यहाँ पे दर बदर फिरती है गाड़ियों के लिए। सरकार को फौरी तौर चाहिए कि वो इस किस्म के इकदाम उठाए। यहाँ की ख्वातीन जो है हकीकत में जब भीड़ भाड़ होती है गाड़ियों में, उनका गाड़ियों में चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर एक खातून महफूज हुआ करती थी उस गाड़ी में और वो अपने आप को सेफ समझती थी, लेकिन बिल्कुल आज लगता है कि ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने खुद ही इसको ख़त्म कर दिया और ख्वातीन के लिए मुश्किल पैदा कर। कुछ इकदाम सरकार को भी उठाने पड़ते हैं इस बारे में कि खातून जो है वो किस तरह महफूज रहेगी। महफूज तो इसी तरीके से रहती है एक खातून, अगर आप सेपरेट सीट उसके लिए है, उसके अगल बगल में कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा है जो इसको हरास करेगा, तो ये खातून जो है वो महफूज समझने लगे। वालदैन बड़े ही मुतमईन अब नज़र आ रहे थे कि शायद अब कोई ऐसी परवाह नहीं है। वो अपनी गाड़ियों में प्रेफर करते थे बच्चों को कॉलेज तक ले जाना, लेकिन जब ऐसी सर्विस गवर्नमेंट ने यहाँ पे दस्तियाब रखी थी तो उन्होंने एक लंबी सांस ली थी कि अब हमें बच्चों को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाना है, बल्कि सरकारी गाड़ी है इसमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम है हमारी बच्ची को। लेकिन उसके बाद वो वालदैन अब बड़ा ही अफसोस दिखाते हैं इस बात पे कि लगता है कि अब वो सर्विस, तो वालदैन भी परेशान। अगर आप राहत देना चाहते हैं वाकई तौर पे वालदैन को भी इस एतबार से कि उनके बच्चे महफूज है, तो इस गाड़ी को फौरी तौर बहाल करना चाहिए और इसकी सर्विस हमें दिखनी चाहिए कि वाकई ख्वातीन जो है वो महफूज है और अपने घर बड़े महफूज तरीके से जाती है। ख्वातीन का ऐसा मानना है कि बस सर्विस जो है, जो लेडीज स्पेशल बस सर्विस होती थी, वो अब नहीं चल रही है। यहाँ यार्ड के जो मैनेजर हैं उनसे हमारी बात हुई और उनका मानना है कि प्रेजेंट डेट में एक बस जो है वो यहाँ वुमन सर्विस के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो बाकी 4 है वो गवर्नमेंट के किसी काम में लगाई गई है। मेरा नाम सुरखाब जहरा है। सर को मुझे बताएं कि जिस तरह से आपको याद होगा कि सरकार ने जो है वुमन के लिए बस सर्विस रखी थी, उसके बारे में जी मुझे याद है 2016 की अगर बात करें तो तब जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें वुमेन बस सर्विस जो थी वो जारी की गई थी। और मुझे ये भी याद है श्रीनगर के लिए 3 बस जो थी वो खाली लेडीज़ के लिए थी, और तब अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप लिया था सरकार ने वुमेन के लिए, चाहे हम कॉलेज लड़कियों की बात करें या जो ऑफिस वुमेन होती है उनकी बात करें, तो वो जो है कंफर्टेबली उस बस में जो है सफ़र करती थी, क्योंकि हैरेसमेंट के केसेस अगर हम देखें तो अक्सर व बेशतर हमें बसेस में ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम बस में चढ़ते हैं, बस में लड़कियों के साथ साथ मर्द भी होते हैं, तो एक लड़की जो है अनकंफर्टेबल रहती है क्योंकि भीड़ रहती है बस में, और शाम का टाइम जब होता है ऑफिस वुमेन होती है, कॉलेज की लड़की होती है, उनको घर पहुँचना होता है तो चढ़ जाती है बस में, और ओवरलोड की वजह से उन्हें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि वो वुमेन बस सर्विस जो है अगर फिर से चालू हो जाती तो बेहतर रहता। देखिए मुझे ये बताएं कि जिस तरह से सरकार ने ये स्टेप उठाया था वुमेन के लिए, अब कहीं ना कहीं पे हम देख रहे हैं कि अभी LG एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है तो कहा जा रहा है कि हर एक को लेकर जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो डिले हो रहा है, जो वुमन बस सर्विस शुरू नहीं की जा रही है, खासकर अगर श्रीनगर की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि कितनी दुश्वारियों का जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है खासकर वुमन को? देखिए मैंने अभी भी आपको बोला कि एक वुमन जो है चाहे कहीं पे काम कर रही होती है, जैसे उनको घर जाना होता तो वो चढ़ जाती है बस में, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि हैरेसमेंट के केसेस अगर हम देखें, किसी को अगर छेड़छाड़ होती है तो बस में ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कोई बस में लेडी को छेड़ेगा तो सबसे
बड़ा बहाना उसका होता है कि गाड़ी में ओवरलोड है तो लग गई आपके साथ, मेरा हाथ लगा है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई बंदा ऐसा भी होता है जो जानबूझ के इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और एक लेडी जो है उसको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक वुमेन के लिए, उसके लिए अलग से एक बस रखी जाए क्योंकि लड़कियां जो है काम करती है, घर उसे बाहर होती है, शाम को घर पहुंचना होता है तो ये भी अच्छा नहीं रहता है शाम को वो घर जाए और ओवरलोड हो गाड़ी में, उसमें छेड़ खानी हो, फिर ऐसे क्या हो जाता है एक लेडी जो होती है वो मेंटली भी उसमें असर पड़ता है क्योंकि वो बोल नहीं पाती है, वो बोलती है अगर मैं बोलूँ कहीं मुझे ही गलत ना ठहराए यहाँ पे। तो एक वुमेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए अलग से बस रखी जाए। खातीन का भी मानना है कि जो बस सर्विसेज है उनको वापस बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो है बहाल कर देना चाहिए।